नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। अधिक मास 2020 में अधिक आश्विन के रूप से मनाया जाएगा। और अधिक मास कब आता है उसकी चर्चा हमने इसके पहले के वीडियो में की हुई है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में से आपको वह वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने कहा है कि अधिक मास कब आता है, कितने समय के अंतराल के बाद आता है, फिर क्षय मास भी होता है तो उसकी चर्चा भी की है। और आने वाले 2100 साल, मतलब कि अभी जो 2020 चल रहा है तो 2100 वर्ष आने वाला है, तब तक कितने अधिक मास आने वाले हैं, उन सब का लिस्ट हमने दिया हुआ है। अगर आपने वह मिस कर दिया है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलतियां आप करते हैं तो मान लीजिए कि 3.5 साल के बाद तो एक ऐसा शुभ अवसर आ रहा है जिसमें आप कार्य करेंगे, और 3.5 साल बाद ऐसा अवसर आएगा और उसी में आप गलती करेंगे तो उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके विषय में। सबसे पहले अधिक मास के विषय में चर्चा करते हैं कि अधिक मास है वह 3.5 साल के अंतराल के बाद आता है। और इसे अधिक मास क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य है, हमारे शास्त्रों में द्वादश आदित्य कहे गए हैं, 12 सूर्य है, तो हर एक महीने में एक सूर्य होता है। जब किसी महीने में सूर्य की संक्रांति न हो तो उस महीने का सूर्य को किसी भी नाम दिया नहीं जाता और उसे अधिक मास, मल मास, मलिमलुच मास या फिर अपर महीने के रूप में या फिर पुरुषोत्तम महीने के रूप में मनाया जाता है, इसे यह नाम दिया गया है। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी शास्त्रीय चर्चा मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में शुभाशुभ प्रकरणम नाम के प्रथम प्रकरण में 46 और 47 के श्लोक में लिखा हुआ है कि वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रतारंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महा दानानि सोमाष्टके गोदानाग्रयण प्रपा प्रथम कोपा कर्म वेद व्रतम नीलोद्वाह मताधिपन्न शिशु संस्कारांसुर स्थापनम दीक्षा मौंजि विवाह मुंडनम पूर्वम देवतीर्थे क्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेकोगमम चातुर्मास्य समावृति श्रवण योर्वेदं परीक्षां त्यजेत वृद्धत्वास्त शिशुत्व इज्यसि तयोः न्यूनाधिमासे तथा। यह मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में शुभाशुभ प्रकरणम नाम के प्रथम प्रकरण में 46 और 47वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद में यह बातें लिखी हुई है, यह आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे कि अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य वर्जित है और निष्काम भाव से जो कार्य किए जाए वह किए जा सकते हैं, यथा कुएं, बावली, तालाब, बाग इत्यादि का निर्माण करना, प्रतिष्ठा करना, किसी भी प्रकार के और किसी भी प्रयोजन से कोई भी व्रत करना, उसका उद्यापन मतलब कि विसर्जन करना, फिर सुवर्ण, रजत, तुला इत्यादि का महादान करना, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध मतलब कि पितृगण जिससे प्रसन्न हो उसके लिए एक विशेष श्राद्ध किया जाता है वह श्राद्ध, गौ का यथोचित दान, आग्रयण मतलब कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ है वह अलग अलग ऋतु में अलग अलग द्रव्य से हवन किया जाता है। जैसे कि अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो सांवा, सांवे से उसका हवन होता है, शरद ऋतु में चावल से यज्ञ होता है और वसंत ऋतु में जौ से आहुति दी जाती है आग्रयण नाम के यज्ञ विशेष में। अब बात करते हैं पौसरे का प्रथमारंभ, उपाकर्म मतलब कि श्रावणी इत्यादि कर्म में जो ऋषि पूजन होता है जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, फिर है वेद व्रत मतलब कि वेद अध्ययन प्रारंभ करना, अतिपन्न मतलब कि कोई ऐसी संस्कार की बात है अतिपन्न जो समय के अनुसार संस्कार न किए गए हो,
फिर है नील वृष का विवाह, वृषोत्सर्ग जिसे कहते हैं, प्रतिष्ठा करना किसी भी मंदिर में, देव मंदिर में, नया हो पुराना हो, किसी भी मंदिर में अगर प्रतिष्ठा करनी हो तो वह अधिमास में नहीं कर सकते हैं। आगे बताए गए हैं कि दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेना, गुरु की सेवा के लिए दीक्षा लेना। फिर है मौंजी, मतलब कि यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह इत्यादि संस्कार है, और मुंडन संस्कार है। और पहले आपने कभी जिसके दर्शन नहीं किए और कभी आपने जिस तीर्थ क्षेत्र की मुलाकात न की हो, वह तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करना भी अधिमास में वर्जित है। राजा का दर्शन करना, अभिषेक करवाना, प्रथम यात्रा करना, मतलब कि बालक को प्रथम बार घर से निष्क्रमण संस्कार करना, वह भी वर्जित है। फिर चातुर्मासीय व्रतों का प्रथम आरंभ करना, मतलब कि आपने अभी तक कोई भी चातुर्मासीय व्रत नहीं किया परंतु इसी साल से आप चतुर्मास का व्रत करना चाहते हैं तो आप अधिक मास से उसका आरंभ नहीं कर सकते, जबकि इस बार हो नहीं होगा क्योंकि आश्विन मास अधिक है, परंतु अगर जब आषाढ़ मास है वह अधिक मास होगा तब आप उसमें चातुर्मास्य का प्रथम आरंभ नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है व्रतों का प्रथम आरंभ करना, कोई भी व्रत है पहली बार आप कर रहे हैं तो वह आप चतुर्मास के भीतर नहीं कर सकते। कर्णवेध संस्कार है, वह भी चतुर्मास के भीतर आप नहीं कर सकते। यह काम सभी अधिक मास में, क्षय मास में, और गुरु और शुक्र जब अस्त के हो तब यह सभी काम वर्जित है, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास है वह मल मास कहा जाता है, मतलब कि एक अधिक जिसे मान्यता नहीं दी गई है, जिसे पुरुषोत्तम मास, केवल भगवान की उपासना के लिए यह मास है, तो उसमें आप कोई भी शुभारंभ करेंगे तो वह बिल्कुल गलत बात है। वह आपको कभी किसी भी बात का शुभारंभ इसमें नहीं करना है। किस किस विशेष बात है वह हमने आपको ऊपर बता दी गई है। और दूसरा है कि गुरु और शुक्र अस्त के हो, मतलब कि दोनों शुभ ग्रह है, एक है देव गुरु बृहस्पति और दूसरा है असुर गुरु शुक्राचार्य, दोनों शुभत्व के कारक है और दोनों पूज्य है एक दूसरे के लिए। यह दो ग्रह जब अस्त के हो, मतलब कि निर्बल हो, बाल्यावस्था के हो, वृद्धावस्था के हो, वह तीन दिन में भी कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका आपको फल कभी नहीं प्राप्त होगा। कोई आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं, कैसे आवश्यक कार्य हमें इस समय करने चाहिए, जो कर सकते हैं, जिसकी हमें शास्त्रों में मनाई नहीं की है उसकी हम चर्चा करते हैं। ज्वर इत्यादि जो प्राण घातक रोग है उसके निवारण के लिए अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, रुद्र जपादि अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो वह आप अधिक मास में, क्षय मास में और गुरु शुक्र के अस्त होते हुए भी कर सकते हैं। दूसरा है अनावृष्टि के अवसर पर जो पर्जन्य याग किया जाता है, वह पर्जन्य याग भी आप अधिक मास में कर सकते हैं। दूसरा है वशटकार वर्जित होम करना, मतलब कि ऐसे मंत्रों का आपको होम करना है जिसमें वशटकार न हो। अगर यह बात आपको समझ न आई हो तो आप कमेंट कीजिए, इसे विस्तार से हम आपको समझाएंगे। दूसरा है ग्रहण संबंधी श्राद्ध, और कोई भी बालक का जन्म हुआ है या फिर ग्रहण है उसके समय में जो श्राद्ध किया जाता है, दान किया जाता है, जप होम इत्यादि है, तो वह अधिक मास के समय में भी आप कर सकते हैं। दूसरा है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, जो सीमित समयावधि में ही कर सकते हैं, क्योंकि गर्भाधान है वह आप थोड़े समय के लिए ही करेंगे, पुंसवन है वह गर्भाधान के 2 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, और सीमंतोन्नयन है वह 5 या 7वें महीने में अवश्य हो जाना चाहिए। तो यह कार्य संबंधी है कि यह में कि इसमें समय मर्यादा सीमित है, तो ऐसे कार्य आप गुरु शुक्र के अस्त में भी कर सकते हैं, और अधिक मास और मल मास में भी, और क्षय मास भी होता है एक, मतलब कि यह अधिक मास है जो 1 महीना बढ़ गया है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीना कम हो जाता है, और वह कार्तिक, मार्गशीर्ष और पोष, यह 3 महीने का ही क्षय होगा। कब कब यह क्षय होने वाला है यह हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें पूरी चर्चा की है, और वर्ष भी बताया है कि इस वर्ष में क्षय मास आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शास्त्रोक्त रीति से जो बातें होती है वही हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शास्त्र प्रमाण के साथ यहाँ पर हम शास्त्र चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।